देश में 1 जुलाई से जीएसटी लागू हो गया, लेकिन लागू हो जाने के बाद व्यापारी असमंजस की स्थिति में हैं। व्यापारी को यह पता नहीं है कि जीएसटी में कौन कौन से व्यापारी और दुकानदार आने वाले हैं और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कहां से होगा। यही नहीं, कुछ दुकानदारों को तो ये भी नहीं पता कि जीएसटी में काम कैसे होगा। आप सुनिए व्यापारियों की परेशानी उन्हीं की जुबानी। अभी हम लोगों को कुछ पता नहीं। हाँ, आप व्यापार कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जीएसटी आपको लगाना है नहीं लगाना है, इसके बारे में कोई जानकारी कोई बताने नहीं आया आपको कभी? कोई अभी नहीं बताने आया। हाँ, जैसे जो सामान आप लेके आ रहे हैं अपने जो भी स्टॉकिस्ट के यहाँ से या अपने जिस भी दुकानदार होलसेलर से, तो वो आपसे कोई नंबर नहीं मांग रहा है जीएसटी नंबर? हाँ, जाते हैं हम लोग लेके चले आते हैं, ना वो मांगता है ना हम लोग देते हैं। वहीं जब इस बारे में सेल्स टैक्स कमिश्नर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 20 लाख या 20 लाख के ऊपर टर्नओवर करने वाले व्यापारियों के लिए ही जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। बढ़ गया इसके ऊपर किस तरह? आपके प्रश्न को मैं दो भागों में जवाब दूंगा। पहला, आपने कहा कि 1 जुलाई को जो, या पहला ये देख लीजिए कि एमआईपी वाली जो बात है, अगर आपके जीएसटी नेटवर्क में, जीएसटी रिजीम में अगर टैक्स घटने या बढ़ने के कारण इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन द प्राइस, उसके अनुसार ही व्यापारी को उसको घटाना या बढ़ाना है। अगर दाम घट रहा है तो दैट बेनिफिट हैज टू बी पास डाउन टू द लास्ट कंज्यूमर, ये सरकार का नियम है, ताकि आप जो भी कीमत में घटोतरी होगी उसकी उसका फायदा कंज्यूमर, अंतिम कंज्यूमर को। हालांकि सेल टैक्स कमिश्नर जीएसटी को व्यापारियों के हक में बता रहे हैं, लेकिन अभी व्यापारी जीएसटी को लेकर भ्रम में हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट।